नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 में सभी टीमों की स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑक्शन में कौन सी टीम सबसे मजबूत हुई है और अब किस टीम के पास कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। तो पूरी जानकारी के लिए और पूरी टीमों की स्क्वाड जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, आईपीएल 2020 में सभी टीमों की जो हमें इंतज़ार था कि कब टीमें पूरी होगी, वो अब हो चुकी है और सभी टीमों ने अपने अपने खिलाड़ी चुन लिए हैं। तो दोस्तों, आज हम सभी टीमों के आपको स्क्वाड बताने वाले हैं कि कौन सी टीम इस समय आईपीएल 2020 में मजबूती के साथ उतरने वाली है। तो दोस्तों, हम सभी 8 टीमों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सनराइज हैदराबाद की। सनराइज हैदराबाद आईपीएल 2020 में एक शानदार टीम के साथ उतर रही है और दोस्तों, ऑक्शन में भी इन्होंने कई शानदार खिलाड़ी खरीदे हैं। तो हम बात करते हैं इनके सबसे पहले खिलाड़ी की, तो वह डेविड वॉर्नर, इसके बाद भुवनेश्वर कुमार, अभिषेक शर्मा, बेसिल थम्पी, बिली स्टेनलेक, जॉनी बेरिस्टो। इसके बाद दोस्तों बात करें 7वें नंबर पर, तो इनकी टीम के कैप्टन केन विलियमसन मौजूद हैं। 8वें नंबर पर मनीष पांडे, 9वें नंबर पर मोहम्मद नबी, 10वें नंबर पर राशिद खान, 11वें नंबर पर संदीप शर्मा, 12वें नंबर पर शाहबाज नदीम। यानी कि एक शानदार टीम बनती हुई नज़र आ रही है इस समय। इसके बाद दोस्तों बात करें नंबर 13 की, तो यहाँ पर मौजूद है श्रीवत्स गोस्वामी, 14वें पर सिद्धार्थ कौल, 15वें पर खलील अहमद, 16वें नंबर पर टी नटरंजन, 17वें पर विजय शंकर, 18वें पर रिद्धिमान शाह। इसके बाद दोस्तों, इन्होंने ऑक्शन में खरीदे वो खिलाड़ी हैं विराट सिंह 19वें नंबर पर, प्रियम गर्ग 20वें नंबर पर, मिचेल मार्श 21वें नंबर पर, भवन नका संदीप 22वें नंबर पर। इसके बाद दोस्तों 23वें नंबर पर मौजूद है कैरिबियाई फेबियन एलन, 24वें नंबर पर अब्दुल समाद और 25वें और आखिरी नंबर पर है संजय यादव। यानी कि एक पूरी मजबूत टीम है, पूरे 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड इस टीम के पास मौजूद है और आईपीएल 2020 में मजबूती के साथ उतर रही है यहां पर सनराइज हैदराबाद। इसके बाद दोस्तों दूसरी टीम की बात करें तो वो है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब के पास भी काफी शानदार खिलाड़ी मौजूद है और सबसे बड़ी बात, इस टीम के कैप्टन होने वाले हैं केएल राहुल। तो दोस्तों बात करें इस टीम के स्क्वाड की, तो केएल राहुल, करुण नायर, मोहम्मद शमी, निकोलस पूरन, मुजीबर रहमान, क्रिस गेल और 7वें खिलाड़ी हैं मनदीप सिंह। इसके बाद दोस्तों 8वें खिलाड़ी के तौर पर हैं मयंक अग्रवाल, 9वें पर आर्दुस विलजोइन, 10वें पर दर्शन नालकंडे, 11वें पर हैं सरफराज खान। इसके बाद दोस्तों 12वें नंबर की बात करें तो यहां पर मौजूद है अर्शदीप सिंह, 13वें पर हरदीप ब्रार, 14वें पर मुर्गन अश्विन, 15वें पर कृष्णप्पा गौतम और 16वें पर जगदीश सुचित। इसके बाद दोस्तों इन्होंने ऑक्शन से जो खिलाड़ी खरीदे हैं उनमें मौजूद ग्लेन मैक्सवेल 17वें नंबर पर, 18वें पर शेल्डन कोटरेल, 19वें पर दीपक हुड्डा, 20वें पर ईशान पोरेल, 21वें पर रवि बिश्नोई, 22वें पर जेम्स निसम, 23वें पर क्रिस जॉर्डन, 24वें पर तेजिंदर सिंह और 15वें पर मौजूद है सिमरन सिंह। तो दोस्तों एक शानदार टीम, काफ़ी मजबूत टीम बन चुकी है अब किंग्स 11 पंजाब की, जिसके पास काफ़ी शानदार बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर मौजूद है। तो आईपीएल 2020 की सबसे खतरनाक टीम है ये किंग्स 11 पंजाब। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड की। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खिलाड़ियों की बात करें तो कैप्टन स्टीव स्मिथ, इसके बाद संजू सैमसन, तीसरे जोपरा आर्चर, बेन स्टोक्स, जोस बटलर, छठे खिलाड़ी हैं रियान प्राग। इसके बाद दोस्तों 7वें पर मनन ओरा, 8वें पर श्रेयस गोपाल, 9वें पर शशांक सिंह, 10वें पर अंकित राजपूत, 11वें पर महिपाल नोमरोर, 12वें पर मयंक मारकंडे, 13वें वरुण अरुण, 14वें राहुल तेवटिया, 15वें रोबन उत्तप्पा जिनको इन्होंने ऑक्शन में खरीदा, 6ठे जयदेव उनाडकर, यशस्वी जायसवाल, अनुज रावत, आकाश सिंह, कार्तिक त्यागी, उसके बाद 21वें पर डेविड मिलर, ओसेन थॉमस, अनिरुद्ध जोशी, एंड्रयू टाई और 25वें खिलाड़ी है टॉम करन। यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम भी इस बार काफ़ी मजबूत टीम नज़र आ रही है और कई शानदार खिलाड़ी इस टीम के पास भी मौजूद हैं। वहीं पर दोस्तों अब अगली टीम की बात करें, चौथी टीम की, तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता ने अपने कई बड़े खिलाड़ियों को बाहर किया था लेकिन ऑक्शन में भी इन्होंने कई शानदार खिलाड़ी खरीदे हैं। स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, शुभमन गिल, लॉकी फर्ग्यूसन,
नीतीश राणा। इसके बाद दोस्तों आठवें नंबर की बात करें तो संदीप वॉरियर, नौवें पर हैरी गर्नी, दसवें पर कमलेश नागरकोटी, ग्यारहवें नंबर पर शिवम मावी और बारहवें नंबर पर हैं प्रसिद्ध कृष्णा। इसके बाद दोस्तों तेरहवें नंबर पर हैं सिद्धेश लाड, रिंकू सिंह, पैट कमिंस जिनको इन्होंने ऑक्शन से खरीदा था, राहुल त्रिपाठी, इयान मॉर्गन, वरुण चक्रवर्ती। इसके बाद दोस्तों 19वें नंबर पर मनी मरन सिद्धार्थ, टॉम बेंटन, 21वें पर क्रिस ग्रीन, 22वें पर प्रवीण तांबे और 23वें नंबर पर है निखिल नाइक। यानी कि इस टीम के पास 23 खिलाड़ी मौजूद हैं आईपीएल 2020 के लिए और दोस्तों ये टीम काफ़ी मजबूत लग रही है इस समय। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवी टीम की, डिपेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस के कैप्टन रहने वाले रोहित शर्मा, इसके बाद आदित्य तारे, अनमोल प्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, धवल कुलकर्णी, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन। आठवें नंबर की बात करें तो यहां पर है जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कायरन पोलार्ड, कुणाल पांड्या, लासित मलिंगा और तेरहवें नंबर पर है मिचेल मैकलेगन। इसके बाद चौदहवें नंबर की बात करें तो क्यूटन डी कॉक, राहुल चहर, शेरपन रदरबोर्ड, सूर्य कुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, ये 18 खिलाड़ी हैं। अब इन्होंने ऑक्शन में से जो खिलाड़ी खरीदे थे उनमें क्रिस लिन, नेथन कुंटर नाइल, सौरभ तिवारी, मोहसिन खान, दिग्विजय देशमुख और चौबीसवें खिलाड़ी है बलवंत राय। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे 24 खिलाड़ियों के स्क्वाड के साथ उतरने वाली हैं, 25 का स्क्वाड इनके पास भी नहीं है लेकिन डिपेंडिंग चैंपियन के पास काफ़ी शानदार खिलाड़ी हैं और ये भी एक काफ़ी फिट और मजबूत टीम नज़र आ रही हैं। अब दोस्तों छठी टीम की बात करें तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल के पास भी शानदार खिलाड़ी मौजूद है, यहाँ पर इनकी तरफ से ओपनिंग में आने वाले अजिंक्य रहाणे, इसके बाद पृथ्वी शो, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, किमो पॉल। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आठवें नंबर पर आने वाले आर अश्विन, राहुल तेवटिया, अमित मिश्रा, संदीप लामीचाने, कंगिसो रबाडा, आवेश खान। चौदहवें खिलाड़ी है ईशांत शर्मा। इसके बाद पंद्रहवें खिलाड़ी है दोस्तों जेसन रॉय, सोलहवें क्रिस वॉक्स, सत्रहवें एलेक्स केरी, अठारहवें सिमरन हेटमायर। इन चारों खिलाड़ी को इन्होंने ऑक्शन में खरीदा था और इसके बाद चार और खिलाड़ी हैं जिनको भी इन्होंने ऑक्शन में खरीदा था, वो मौजूद हैं मोहित शर्मा, तुषार देशपांडे, मार्को स्टोइनिस और ललित यादव। यानी कि 22 खिलाड़ियों के स्क्वाड के साथ उतर रही है इस समय दिल्ली कैपिटल आईपीएल 2020 में और दोस्तों इनके पास काफ़ी शानदार खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो कि बेहतरीन रन या फिर गेंदबाजी कर सकते हैं। वहीं पर अब हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में काफ़ी शानदार खिलाड़ी मौजूद है। बात करें महेंद्र सिंह धोनी इस टीम के कैप्टन रहने वाले हैं, एन जगदीशन, डीजे ब्रावो, रविंदर जडेजा, मिचेल सेंटनर, लुंगी निगिडी। इसके बाद सातवें खिलाड़ी रहने वाले सुरेश रैना, आठवें फेफ डू प्लेसिस, सेन वॉटसन, अंबाती रायडू, मुरली विजय, ऋतुराज गायकवाड, केदार जाधव और इसके बाद दोस्तों चौदहवें नंबर पर मौजूद है हरभजन सिंह, पंद्रहवें पर कर्ण शर्मा, इमरान ताहिर, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, मोनूस कुमार और के एम आसिफ। इसके बाद दोस्तों चार खिलाड़ी जो इन्होंने ऑक्शन में खरीदे थे वो हैं सैम करन, पीयूष चावला, जोस हेजलवुड और साई किशोर। यानी कि 24 खिलाड़ियों के स्क्वाड के साथ उतर रही है चेन्नई सुपर किंग्स भी आईपीएल 2020 में और दोस्तों इनके पास भी एक शानदार बैलेंस टीम है। वहीं पर दोस्तों अब आखिरी नंबर पर बात करते हैं हम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान रहने वाले विराट कोहली, इसके बाद एबी डिविलियर्स, देवदत्त पल्लिगल, गुरप्रीत सिंह मान, मोइन अली, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी। इसके बाद आठवें नंबर पर बात करें पार्थिव पटेल, पवन नेगी, शिवम दुबे, उमेश यादव, वाशिंगटन सुंदर, यूजी चहल। और इसके बाद के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने ऑक्शन में खरीदे हैं उनमें मौजूद है एरन पिंच, क्रिस मॉरिस, जोस फिलिप, केन रिचर्डसन। ये चार खिलाड़ी जो इन्होंने ऑक्शन में खरीदे थे और चार खिलाड़ी और हैं जिनको इन्होंने ऑक्शन में खरीदा, उनमें मौजूद है पवन देशपांडे, डेल स्टेन, शाहबाज अहमद और इसरू उडाना। यानी कि 21 खिलाड़ियों के स्क्वाड के साथ यहाँ पर आईपीएल 2020 में आई है इस समय रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम। तो दोस्तों आपको इन सभी टीमों की स्क्वाड में से इस समय कौन सी टीम मजबूत लग रही है जो आईपीएल 2020 का खिताब जीत सकती है? तो आप एक टीम नहीं आईपीएल 2020 की टॉप 4 टीमें कौन सी हो सकती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन टीमों ने काफ़ी शानदार खिलाड़ी अपने आप में यहाँ पर बनाए हैं और मजबूती के साथ हर टीम यहाँ पर उतरना चाह रही है इस आईपीएल 2020 में।
तो दोस्तों इन सभी टीमों में से 8 टीमों में से आपकी 4 फेवरेट टीमें कौन सी है, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी फेवरेट टीम का नाम ज़रूर लिखें। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें इसी तरह की जानकारी के लिए, और इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।